हेलो बच्चों तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम थ्योरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सेट ए की जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है थ्योरटिकल प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरटिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट नहीं ये तो नहीं होगा एग्जिस्ट तो करता ही है ठीक है एग्जिस्ट इन थ्योरी एंड एग्जिस्ट इन रियल लाइफ दोनों सिचुएशन में करता है मतलब बोथ बी एंड सी तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसका डी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है डिस्क्रीट हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है इनफिनाइट नहीं होता डिस्क्रीट या कंटिन्यूस हो सकता है तो इसमें भी ए और बी एंड इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में या तो बाइनोमल होता है या पॉइजन होता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइजन दे रखा है ऑप्शन में तो फिर पॉइजन पर चूज़ करेंगे एंड इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जब कंटिन्यूस वेरिएबल होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर इज ए कररेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर हम फाइंड करते हैं पॉपुलेशन से पैरामीटर हम फाइंड करेंगे पॉपुलेशन से एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैरामीटर अब पॉपुलेशन से आप फाइंड कर रहे हो तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन ये पैरामीटर हो सकता है ठीक है किसी भी पॉपुलेशन का आप मीन निकाल रहे हो तो हो गया पैरामीटर ए ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू ए ट्रायल क्या होता है मेक समथिंग पॉसिबल मेक समथिंग इम नहीं दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इससे तो कोई मतलब ही नहीं हमारा प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज़ नीदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल मतलब ना तो सर्टेन है ना इम्पॉसिबल है वो आउटकम हम प्रोड्यूस करते हैं इसमें तो सेवन्थ का डी द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ए फे बर्नॉलीज ट्रायल बर्नॉलीज ट्रायल के अंदर क्या होता है कि ईस ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट टू पॉसिबल आउटकम दो पॉसिबल आउटकम होने चाहिए ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए ट्रायल इन्फनाइट इन्फेनाइट नहीं होता तो बोथ ए एंड बी यानी एट का ऑप्शन बनेगा हमारा डी द प्रॉपर्टी मास फंक्शन ऑफ ए बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कैसे हम निकालते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको एफ एक्स निकालना है तो एनसी एक्स होना चाहिए पहले एनसीएक्स इसमें तो नहीं है तो ये तो ऑप्शन है नहीं तो एनसीएक्स के साथ पी की पावर एक्स पी की पावर एक्स की पावर एन माइनस एक्स केवल इसी में आ रहा है तो इसमें बी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर टेन और तो टेन में बोलता है इफ एक्स इज़ ए बाइनोमल वेरिएबल विद पैरामीटर एन एंड पी देन एक्स कैन एज्यूम अब एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है अगर हमारे पास एक बाइनोमल वेरिएबल है जिसमें दोनों पैरामीटर हैं एन और पी तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड जीरो और एन के बीच में कोई वैल्यू एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड बोथ इंक्लूसिव एनी होल नंबर बिटवीन जीरो एंड एन तो ज़ीरो एन के बीच में कोई भी होल नंबर हो सकता है और दोनों के दोनों इंक्लूड भी हो सकते हैं बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमिट्रिक uh, होता है वेन पी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव द मीन ऑफ द बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एंड पी अगर पैरामीटर आपको एन एन पी दे रखे हैं तो मीन निकालने के लिए एन को पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं या आइए आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन द वेरियंस वेरियंस जब निकालते हैं तो एन पी को हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं एन बी इंटू में क्यू नहीं दे रखा है लेकिन यहाँ पर एन क्यू इंटू वन माइनस क्यू दे रखा है तो ये जो वन माइनस क्यू होता है ये पी के बराबर ही होता है तो ये बन गया इसका वेरिएंस एन एग्जांपल ऑफ ए बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामीट्रिक होना चाहिए और डिस्क्रीट होना चाहिए तो डिस्क्रीट में बाई पैरा बाई पैरामेट्रिक होता है बाइनोमियल तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मोड़ दोनों हमेशा इक्वल होते हैं दोनों हमेशा इक्वल होते हैं लेकिन उस समय क्यू की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो होनी चाहिए द मीन ऑफ बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन इज बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम मीन निकालेंगे तो ये हमेशा वेरिएंस से ज़्यादा ही होता है फॉर ए बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में भी बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक मॉड हो सकता है दो भी मॉड हो सकते हैं नहीं एक होगा या फिर दो होंगे ऑप्शन ए या बी मतलब ऑप्शन बनेगा इसका डी ए और बी दोनों को बता रहा है ये तो ये ऑप्शन बन जाएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी मैक्सिमम वैल्यू वेरिएंस की हो सकती as, है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन अपॉन फोर द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज तो फिटिंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेथड हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेथड ऑफ मूवमेंट्स विच वन इज़ नॉट ए कंडीशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से कौन सी कंडीशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन नहीं है द प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉन्स्टेंट तो इंटरवल यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं होता है तो मतलब इसका ऑप्शन बनेगा ट्वेंटी एथ का ए विच वन इज़ अ यूनी पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक ही पैरामीटर ज़रूरी होता है वो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू रफ़ फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल होता है नहीं यूनीडल नहीं बाई मॉडल भी हो सकता है तो इसका भी ऑप्शन ए और बी आएगा चेक कर लेते हैं ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन है डी है ठीक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक नहीं जरूरी नहीं है ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एन पी कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाई ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एम इक्वल्स टू एन पी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और प्रॉबर्टी उसके मुकाबले काफ़ी कम होती है और uh, अब इसमें दोनों कंडीशन में ये आपको दे रखा है लेकिन साथ में ये भी होता है कि अगर एन को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फाइनाइट वैल्यू देता है तो यानी उसका ऑप्शन बनेगा डी उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में कहता है द वी इक्वेट पॉइन पैरामीटर फॉर ए पॉइन फिटिंग टू एन ऑब्जर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉइजन फिटिंग होती है तो उसमें हम क्या करते हैं वीवेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीन ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीडियम टू द मॉड तो इसमें से मीन के साथ हम करते हैं तो 26 सिक्स का बनेगा ऑप्शन ए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस प्रॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल एक्स प्रोबलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला ये पहले वाला ही होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ में कहता है द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कार्ड जो नॉर्मल कव होता है उसका टोटल एरिया वन के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी नाइन का वन उसके बाद अगर थर्टियथ पे चलते हैं थर्टियथ में कहता है आपसे कि द नॉर्मल कर्व नॉर्मल कर्व की जो शेप होती है किस टाइप की होती है तो नॉर्मल कर्व की शेप बेल शेप कर्व होती है द नॉर्मल कर्व इस जो नॉर्मल कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है नेगेटिवली स्क्यूड होता है या फिर सिमेट्रिकल होता है तो नॉर्मल कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है दोनों साइड एरिया ऑफ द नॉर्मल कर जब एरिया हम निकालते हैं नॉर्मल कर का तो एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है माइनस इन्फिटी से म्यू तक का जो एरिया होता है वो जीरो मतलब हाफ होता है बिटवीन म्यू टू इन्फिनीटी ज़ीरो ये तो नहीं होगा आंसर म्यू टू अच्छा म्यू टू पॉजिटिव इन्फिटी ये भी हो सकता है बिटवीन माइनस इन्फिटी टू इन्फिनिटी इज़ दिस नहीं माइनस इन्फिटी टू इन्फिनिटी वन होता है तो हमारा ए आंसर हो सकता है बी भी आंसर हो सकता है मतलब ऑप्शन बनेगा हमारा डी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द कम्यूनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए रेंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय जो कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम लिखते हैं एफ एक्स तो एफ़ेक्स का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है उसके लेफ्ट हैंड साइड का एरिया जितना भी यानी इससे छोटा जो एरिया होगा वो सारा एरिया इसके अंदर आता है तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी एफ एक्स इक्व टू पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स द मीन एंड मोड ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन और मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं अगर मे बी डिफरेंट मे बी इक्वल और ऑलवेज इक्वल तो मीन और मोड जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमेशा आपस में इक्वल होते हैं ठीक है थर्टी फोर का ऑप्शन है हमारे पास सी यस इक्वल होते हैं द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो मीन डेविएशन होता है ये बराबर होता है ज़ीरो पॉइंट एट जीरो इन्टू में स्टैंडर्ड डेविएशन के अब इसने यहाँ पर बता दिया आपको कि भाई मीन डेविएशन आपको किसका निकालना है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वन के बराबर होता है तो आप जब यहाँ पर वन पुट करेंगे ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो इंटू में वन तो आंसर बनेगा आपका ज़ीरो पॉइंट एट जीरो यानी इसका ऑप्शन रहेगा थर्टी फाइव का डी उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में कहता है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस एंड दिस जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है इसकी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इन टू में स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है फोर तो फोर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर फाइव जैर ट्वेंटी फोर सेवन ट्वेंटी एट और टू थर्टी फोर सिक्स ज़र ट्वेंटी फोर और थ्री ट्वेंटी सेवन तो आ जाएगा टू पॉइंट सेवन तो टू पॉइंट सेवन यानी ऑप्शन बना इसका सी फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पॉइंट ऑफ इफ्लेक्शन माइनस वन से लेकर प्लस वन तक के बीच होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इसमें कहता है द सिंबल द सिंबल फाइव ए इंडिकेट द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू ए अगर हम लिखते हैं फाइ ए तो मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर जो ए तक का एरिया है वो इसको डिफाइन करता है द इंटरवल म्यू माइनस थ्री डेविएशन म्यू प्लस थ्री डेविएशन कवर्स 95 परसेंट ऑफ द एरिया 96 सिक्स परसेंट नाइन्टी परसेंट ऑल बट 0.27 एरिया ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर ऑफ मिस प्रिंट पर पेज ऑफ ए थिक बुक फॉलोर्स एक हमारे पास मोटी बुक है उसके अंदर नंबर ऑफ मिसप्रिंट अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को द रिजल्ट ऑफ ओडीआई डी मैचेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट उसमें हम यूज़ करेंगे बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है मतलब या तो सक्सेस या फेलियर दो ही ऑप्शन होंगे वहाँ पर द वेज ऑफ ए वर्कर द वेज ऑफ ए वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है इफ़ एक्स एंड वाई आर द टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल दैन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द एक्स प्लस वाई अगर एक्स और वाई दोनों नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैं, तो जो प्लस वाई आएगा वो भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ही रहेगा तो ये हमारी एक्सरसाइज जो इसकी एक्सरसाइज दे रखी थी, थी आपको थियोरटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की उसके सेट ए की क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट करें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके सेट बी के क्वेश्चन